हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बो लेग्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, बो लेग्स बच्चों में होने वाली एक तरह की बीमारी समझ सकते हैं ऐसा। और ऐसा नहीं है कि बो लेग्स अगर हो गए हैं आपके बच्चे को तो वो ठीक नहीं होंगे, आराम से वो ठीक हो सकते हैं, बिना इलाज के ठीक हो सकते हैं, घर पर ही कुछ तरीकों से आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, बच्चे में बो लेग्स होना, अगर आपका बेबी 1 से 2 साल का है या फिर आप बो लेग्स को जितनी जल्दी पहचान लेते हैं कि आपके बच्चे में बो लेग्स की प्रॉब्लम हो रही है उतना ही अच्छा है। बो लेग्स हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर बो लेग्स होता क्या है। बो लेग्स यानी कि बच्चे की टांगें बाहर की तरफ मुड़ गई हैं, इसे ही बो लेग्स कहते हैं। आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है आप बच्चे की मसाज। फ्रेंड्स, मसाज को बिल्कुल सही ढंग से करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि गलत तरीके से आप कर रहे हैं। इसलिए आपको मसाज के ढंग का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे की सही ढंग से मसाज नहीं की जाती है तो भी बच्चे की पैर की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। होता इसलिए ऐसा है क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की बॉडी का आकार जैसा हम देना चाहें, जितना लचीला देना चाहें, वैसा हो जाता है। फ्रेंड्स, तो हड्डियाँ भी जिस रूप में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे मोड़ेंगे वैसे ही हो जाएंगी। तो आपको एक्सरसाइज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी का होना। फ्रेंड्स, बच्चे के पैर तभी मुड़ने लगते हैं जब उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है। अगर बच्चे में कैल्शियम की ज़्यादा कमी है तो उसके पैर बो लेग्स बन जाते हैं। अगर आपके बच्चे में आपको ये साइन दिख रहा है कि उसके पैर मुड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए बच्चे में कैल्शियम की कमी है, आपको उसकी पूर्ति करनी चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे को और भी कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर वो जल्दी क्रैक भी हो सकती हैं। तो जैसे ही आपको समझ में आता है कि बच्चे के पैर हल्के से मुड़ रहे हैं या कैसे हो रहे हैं, बो लेग्स की तरीके हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करना है। उसकी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, बच्चे में विटामिन डी की कमी ना होने दें। इसीलिए बच्चे को जब तक 1 साल का नहीं हो जाता है उससे विटामिन डी की डोज दी जाती है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो बच्चे की बॉडी कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए आप ध्यान दें, बच्चे को सुबह की धूप जरूर दिखाएं, इससे बच्चे को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा और साथ ही उसको डोज भी देती रहें। नेक्स्ट पॉइंट है बो लेग को ठीक करने के लिए आप बेबी को ऑलिव ऑयल से दिन में 2 बार मसाज जरूर करें। इसके अलावा अगर आप बच्चे को कोई सप्लीमेंट देना चाहते हैं तो बच्चे को ऐसे ही कोई भी मेडिसिन मत दीजिए, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद जो भी आपका डॉक्टर आपसे करने के लिए बोलता है वो आप करिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।